यूक्रेन के राष्ट्रपति का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। कीव में रूसी संगठन सैनिक जो हैं वो दाखिल हो गए हैं, ये बहुत बड़ी जानकारी। जहां गौरव थे वहां भी आपने सुना किस तरह से बम धमाकों की आवाज जो आ रही थी, ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसके जरिए हर तरफ से उलझाने की बात की जा रही है। लेकिन जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि कीव के अंदर रूसी सैनिक प्रवेश कर चुके हैं, जैसे कि जानकारी निकलकर वहां के प्रेसिडेंट की तरफ से सामने आ रही है। और उनके प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं जनसंघ की तरफ से कि अगले 96 घंटे में उस लोहे की मजबूत दीवार को तोड़ दिया जाएगा। दुनिया से अपील कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, आप आइए हमारी मदद कीजिए, हमें बचाइए, आपने वादा किया था हमसे, आपने आश्वासन दिया था हमसे। गौरव मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। लेकिन एक तरफ खबरें ये भी गौरव आ रही हैं कि रूसी सेना भी अब बहुत क्लियर है, खबर आई कि 13 सैनिक ऐसे थे सरेंडर करने से मना कर दिया तो उन्हें मार दिया गया। सुबह से खबरें आ रही हैं कि रिहायशी इलाकों पर भी रह रहकर बीच बीच में बमबारी की जा रही है। तो क्या अब रूस की फौज जो है वो बहुत क्लियर मैसेज के साथ आगे बढ़ रही है, ये मान लिया जाए? रूस की सेना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के मुताबिक एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ उसने प्रवेश किया था इस देश में, और वो एयर लैंड एंड सी बैटल यूक्रेन पर जो उन्होंने शुरू किया उनका एक ऑब्जेक्टिव था यहाँ का सत्ता परिवर्तन, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ की सेना को पूरी तरह से खत्म कर देना, डीमिलिटराइज कर देना, उनके हथियार ले लेना, और उस मिशन से वो आगे बढ़ रहे हैं। यहां भी जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक रूस की सेना यूक्रेन की सेना से ये कह रही है कि हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, हमारी आपकी सरकार से दुश्मनी है, हम उनको सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हैं जो पश्चिमी देशों के इशारों पर काम करती है, तो इसीलिए आप हमसे न लड़े, इस तरह की बात बार बार की जा रही है, ऐसा लोकल लोग हमें बता रहे हैं। उसके मुताबिक यूक्रेन की सेना कितना रेजिस्ट करेगी रूस की सेना को, जब रूस की सेना का लक्ष्य केवल यहां की सत्ता का परिवर्तन है कि पश्चिमी देशों के इशारों पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो काम कर रहे हैं वो न हो। अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देख लिया है कि पश्चिमी देश उनके लिए जब लड़ने नहीं आएंगे तब उनका मनोबल ये गिरता जा रहा है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम अकेले ही लड़ रहे हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, कोई प्रतिबंध नहीं। यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या जो राष्ट्रपति हैं उन्हें सेना का पूरा समर्थन प्राप्त है, क्योंकि कल खबरें ये भी आ रही थी कि जो अपील बार बार पुतिन कर रहे हैं उससे उनकी फौज में भी एक बड़ा वर्ग है जो प्रभावित हो सकता है, और शायद इसीलिए बार बार उनकी विल पावर को बढ़ाने के लिए कई तरह की नई खबरें प्रायोजित करके लाई जा रही है, जिसमें 800 रूसी सैनिकों को मारे जाने की बात हो या उनके एयरक्राफ्ट को गिराने की बात हो। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा शुभांकर, कि क्या ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि रूस के 800 सैनिक मार दिए गए, क्योंकि जमीनी स्थिति जो रूसी एजेंसी तास है उसके मुताबिक उनके लड़ाकू विमान नहीं गिराए गए हैं, जो यहां की सरकार कह रही है कि इनके 800 सैनिक मार दिए गए, 8 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर गिरा दिए गए, और कई सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है, इस तरह की बातें लगातार यहां पर की जा रही है यहां की सरकार द्वारा, राष्ट्रपति हो, रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, आंतरिक सुरक्षा के मंत्री हो, सेना अध्यक्ष हो, हर किसी का इस तरह का बयान आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बयान और भी रहा है, जो वो पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम्स मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रूस का जिस तरह से एयर पावर का इस्तेमाल हो रहा है उसके खिलाफ उनके पास अभी उपकरण उतने नहीं हैं, उन्हें मदद चाहिए और वो मदद उन्हें नहीं मिल पा रही है। यहां पर सेना के कुछ लोग, पुलिस के लोग हमको हटने को कह रहे हैं, संभवतः ये इलाका इस समय अभी उतना सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि इस इलाके में भी लगातार अब बमबारी शुरू हो रही है। गौरव आप अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल कीजिए, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। ये आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तबाही की तस्वीर है, और जहां पर हमारे सहयोगी गौरव सावंत मौजूद थे वहां पर भी वो इलाका भी अब सुरक्षित नहीं है, वहां पर भी बमबाजी जो है वो लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, देखिए ये रिहायशी इलाका है जिसे यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है। विशंबर दयाल सर, ये तस्वीरें रिहायशी इलाके की नजर आ रही है, इन तस्वीरों को देखकर कैसे विश्लेषण कर रहे हैं आप, क्योंकि रूसी सेना अब लग रहा है क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ जा रही है, चाहे जो होगा ध्वस्त करना है, अपने ऑब्जेक्टिव अपने गोल को पाना है। देखिए पहली बात तो एक स्पष्ट दुनिया नहीं समझ पा रही, लेकिन हमें समझना चाहिए कि रशियन लीडरशिप और रशियन आर्म फोर्सेस हमेशा से डिसीजन मेकिंग में बहुत क्विक और क्लियर है, डिसीजन लेते हैं, क्लियर कट डिसीजन लेते हैं, और अगर डिसीजन गलत
साबित होता है तो क्विकली चेंज भी करते हैं। तो ये जो और क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था उन्होंने कोई मिक्स नहीं कर रखा। हमें लग रहा वो उनको उलझा रहे, उनका मल्टी डायरेक्शनल अटैक है, हर एक प्रोंग जो है मल्टी प्रोंग्ड है। अगर आप नॉर्थ से देखें तो वो जैसे बता रहे थे गौरव सूमी से आ रहे हैं, अगर आप सूमी देखें तो सूमी से डायरेक्ट कीव पे आएंगे, उधर वो चर्नीव से आ रहे हैं जो कि चर्नोबल के भी ईस्ट में है, वो डायरेक्ट कीव पे आता है, फिर चर्नोबल खुद कैप्चर कर रहे हैं, चर्नोबल की साइड से आ रहे हैं। तो 4-5 डायरेक्शन से एग्जैक्टली मैं फोर्सेस किस तरह आ रही है उसका हम थोड़ी देर में बयान कर सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा दें, तस्वीरें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। देखिए ये मल्टी रॉकेट जो है ना, रॉकेट उनका कोई वो थोड़ी है, अनगाइडेड रॉकेट से जब रॉकेट गिरता है तो उसके मल्टीपल जो वॉर एड्स है वो जगह जगह गिरते हैं। तो ये बिल्डिंग जो है वो जो लॉन्ग रेंज रॉकेट है जैसे स्मर्च है और जो जैसे नेवल शिप से जो वो लोग यूज कर रहे हैं मिसाइल्स, ये सब जी। और यही इसी वजह से लगातार हम सुबह से कह रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ा दी गई। लेकिन राजीव सर जैसा कि इन्होंने कहा कि जब मिसाइलें दागी जाती हैं तो कहां जाकर गिरेंगी, किस पर गिरेंगी, हर बार ये नहीं होता। गौरव के पास एक बार मैं फिर जाता हूं। गौरव एक चिंता वहां रहने वाले भारतीयों को लेकर भी है क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये बहुत ज्यादा डराने वाली है। 16,000 भारतीय हैं, उनके इवैक्यूएशन को लेकर अब तक क्या कोई जानकारी सामने आई है? और आप अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिए, अपने आप को सेफ रखिए क्योंकि तस्वीरें अब ये दर्शा रही हैं कि रशिया का ऑब्जेक्टिव जो है उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसमें दो राय नहीं, अपना ऑब्जेक्टिव पाने के लिए रशिया किसी भी हद तक जाएगा ही, सत्ता परिवर्तन करके रहेगा ही, जो इनका उनकी मंशा है। अगर विश्व ने प्रतिबंध नहीं लगाए तो ये देख लिया है रशिया ने कि उसकी कार्रवाई के बावजूद विश्व आगे वाले प्रतिबंधों पर अभी एक राय नहीं हो पाया है, पहली बात। दूसरी बात, लगभग 16,000 भारतीय बच्चे अभी भी यहां पर है जो कीव में है, कई अंडरग्राउंड बंकर्स में है, मेट्रो स्टेशन में है, जो अलग अलग शहरों में है, जैसे ओडेसा एक महत्वपूर्ण शहर है, वहां पर लड़ाई भी हो रही है। ओडेसा में भी बच्चों से यही कहा गया है कि अपने हॉस्टल में रहें, अपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर के संपर्क में रहें, सुरक्षित हॉस्टल के अंदर ही रहें, बेसमेंट है तो बेसमेंट में रहें।